एसिड अटैक एक बहुत ही विशियस क्राइम है। एसिड अटैक का जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी। कुछ एक ऐसे उड़ीसा में केसेस है जिसमें फादर ने ही कहा कि हाँ मेरी बेटी को तो जहर का इंजेक्शन दे दो क्योंकि इस पे एसिड अटैक हो गया। क्या इनके दर्द को महसूस किया जा सकता है? जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं वो एक परपेचुअल पेन में रहते हैं। परपेचुअल पेन में मैं कहूँ हमेशा ही एक दर्द से गुजरते हैं। 2013 से पहले की अगर बात करें तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि NCERB भी इसका डेटा ही रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। और 2013 से पहले कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट नहीं थी IPC में जी। अगर 70% एसिड अटैक वुमेन पे होता है तो 30% मेन पे भी होता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। एक ऐसा दर्द जिसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है, एक ऐसा दर्द जिसके बारे में पता चलते ही हृदय बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। ऐसे ही दर्द से हमें वाकिफ करवाया डॉक्टर नवप्रीत कौर ने। डॉक्टर नवप्रीत कौर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी, थैंक यू। डॉक्टर नवप्रीत कौर, आपने किताब लिखी है एसिड अटैक पर, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी एसिड अटैक एक बहुत ही विशियस क्राइम है। औरतों पर ये बहुत ही विशियस क्राइम माना जाता है। जब मैं रिसर्च लॉ स्टूडेंट थी, 2013 में मैंने रिसर्च स्टार्ट की, तो मैंने न्यूज़पेपर में, मीडिया में, टीवी में ये देखा कि बहुत सारी औरतों पे एसिड अटैक हो रहे हैं। एक केस आया था लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके बाद काफ़ी सारे लॉज आए। जो हमारा दिल्ली एक केस हुआ था, दिल्ली रेप विक्टिम केस था, उसके बाद काफ़ी लॉ में तब्दीली आई। तब रिसर्च करते हुए अखबारों में ऐसी प्रॉब्लम्स को पढ़ा, मैंने बहुत सारी स्टोरीज को पढ़ा, देन आई फेल्ट के लोगों को इसके बारे में जानकारी बहुत कम है। एसिड अटैक के बारे में लोग बात ही नहीं करते थे। इस चीज़ को समझ के कि इसको, इस टॉपिक को दुनिया के सामने लाना ज़रूरी है, अवेयरनेस करना ज़रूरी है, ये सोच के मैंने इस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया। एसिड अटैक होते क्यों हैं? क्या मानसिक लोग ऐसा करते हैं? जी, एसिड अटैक का जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी। अगर हम मानसिकता की बात करें, हमारी जो सोसाइटी की मानसिकता है वो पैट्रियार्कल है, जो पितृ धर्म की बात करता है कि पिता सबसे बड़ा है, भाई सबसे बड़ा है, आदमी सबसे बड़ा है। जब जिस समाज में इनइक्वालिटी आ जाती है औरतों और मर्द में, जहाँ पे बच्चे को इस सोच के साथ बड़ा करा जाता है कि लड़के को कभी ना नहीं हो सकती है, जो लड़का मांगेगा, जो बच्चा बेटा मांगेगा उस चीज़ को वो हासिल कर पाएगा, और जब लड़की है उसकी तो कोई ख्वाहिशें पूरी कभी की नहीं जाती हैं। और इसी सोच के साथ जब लड़का बड़ा होता है पैट्रियार्कल सोसाइटी में, जब बड़ा होकर वो लड़की को प्रपोज करता है, तो लड़की जब आगे से ना कहती है किसी भी रीज़न की वजह से, लड़का वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, ईगो प्रॉब्लम आ जाती है। पैट्रियार्कल सोसाइटी में ईगो प्रॉब्लम मैन की बहुत बड़ी है। उसके अलावा जो इनइक्वालिटी है, औरतों को अधिकार नहीं है ना करने का, इसी सोच के साथ जब बच्चा बड़ा होता है तो ऐसे क्राइम्स बढ़ते हैं। इसके अलावा लैंड डिस्प्यूट, डॉरी जो कि फिर से वुमेन रिलेटेड क्राइम है, और सेक्सुअल वायलेंस, इन कारणों की वजह से ज़्यादातर एसिड अटैक होते हैं। किताब लिखने का आपका मकसद क्या रहा? क्या किसी घटना ने आपको आघात किया था? जी, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि 2013 में मैंने रिसर्च स्टार्ट की एसिड अटैक पर। जब मैंने रिसर्च स्टार्ट की, एक लक्ष्मी का केस मैंने पढ़ा। एक 15 साल की लड़की थी जिसको 32 साल के आदमी ने प्रपोज किया और 2005 में उस पर एसिड अटैक कर दिया। जिस टाइम पे उस पर एसिड अटैक हुआ, शी वॉज जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड, सिर्फ 15 साल की एक बच्ची थी। 15 साल की उम्र में जब एक बच्ची जो सोचती है आगे जाके मैंने अपना करियर बनाना है, अपनी लुक्स पे थोड़ा ध्यान देना शुरू करती है या थोड़ी बड़ी होती है, उस टाइम पे एक लड़की पे एसिड अटैक होना, उस स्टोरी को मैंने पढ़ा और मुझे लगा कि ऐसी प्रॉब्लम्स को लोगों के सामने लाना कि एसिड अटैक होते हैं, एसिड अटैक सर्वाइवर्स जो हैं क्या फील करते हैं, उनकी लाइफ एकदम बचपने से कैसे बदल जाती है, 15 साल की लड़की की एज में एसिड अटैक होने के बाद उसकी लाइफ कैसी बदल गई, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है,
इन सब प्रॉब्लम्स को मैं हाईलाइट करना चाहती थी कि क्या साइकोलॉजिकल सोशल इकोनॉमिकल इफेक्ट्स होते हैं एसिड अटैक्स की। तो इन सब प्रॉब्लम्स को सामने लाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए कि क्या लॉज हैं, क्या पॉलिसीज हैं, क्या इफेक्ट्स हैं, इस रीज़न की वजह से, इन सोच के साथ मैंने इस बुक को लिखा। जब एसिड अटैक के बारे में आपने सुना, आपने लिखने की सोची, तब आपके मन में क्या चल रहा था उन लोगों के बारे में जिन पर एसिड अटैक होता है? जी, जब एसिड अटैक के बारे में पढ़ना, उस टाइम के बाद आपको इट वाज ऑब्वियसली कि कोई भी इंसान कंफर्टेबल नहीं होता है। सबसे हैरानी की बात थी कि लोग इसके बारे में डिस्कशन भी नहीं कर रहे हैं। एसिड अटैक सर्वाइवर्स को हेल्प तो करना दूर की बात है, उनसे मिलना भी कोई पसंद नहीं करता था। तो इस टाइम पे मुझे लगा कि ये ऐसी प्रॉब्लम है, मुझे सर्वाइवर से मिलना चाहिए, मुझे उनकी प्रॉब्लम समझनी चाहिए। और जब रिसर्च स्टार्ट की मैंने, सबसे पहले मेरे लिए सबसे मुश्किल काम था सर्वाइवर्स के पास पहुंचना, एसिड अटैक जो विक्टिम्स होते हैं उन तक पहुंचना। हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में औरतों को वैसे ही पर्दे में बंद करके रखा जाता है, और जहाँ जिस सोसाइटी में औरत घर से वैसे ही बाहर नहीं निकल सकती, वैसे ही घूंघट में रहती है, जब उसकी ब्यूटी ऐसे से स्पॉइल कर दी जाती है तो पेरेंट्स ही, उसकी फैमिली मेम्बर्स ही उसको बंद कर देते हैं। सबसे पहले उन तक पहुंचना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। जब मैं एसिड अटैक सर्वाइवर्स के पास पहुंची, उनकी इंटरव्यू ली, उनकी स्टोरी सुन के, उनकी कहानी सुन के एक तरह से रोंगटे खड़े हो जाते थे, मन परेशान हो जाता था कि ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी दुनिया में इतनी मुश्किल ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो थी मेरे लिए बहुत कठिन थी कि ऐसी कठिनाई को सामने लाना, प्रॉब्लम को लिखना ज़रूरी था, मेरे लिए बहुत ज़रूरी था ये। किस किस ने और कैसे मदद की आपकी किताब लिखने में? जी, किताब जब एक इंसान लिखता है तो उसमें बहुत सारे लोगों की हेल्प चाहिए होती है। तो सबसे पहले तो आपके लिए फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। लकीली मेरी फैमिली इतनी अच्छे से सपोर्ट किया मुझे, मेरे पेरेंट्स ने मुझे अच्छे से सपोर्ट किया। देन आई स्टार्टेड माय रिसर्च, मेरी गाइड थी डॉक्टर जयमाला। उसके अलावा सबसे बड़ी जो मुझे सपोर्ट रही है एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी की, वो खुद में एक मिसाल है। शी हैज़ ऑलवेज मोटिवेटेड मी, हमेशा मुझे मोटिवेट किया उसने कि हाँ, इस मुद्दे पे आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आप और काम करो। ऐसा नहीं था कि ये काम करना इजी था। जैसे कि मैंने पहले बताया, रिसर्च करते हुए बहुत सारी परेशानियाँ आई मुझे, सर्वाइवर्स तक पहुँचना, उनसे बात करना बहुत मुश्किल था। लेकिन जहाँ पे अगर मुझे ये पता था कि ये काम मुश्किल है, तो मुझे हिम्मत भी खुद को खुद ही देनी पड़ेगी। और बहुत सारी ऐसी सर्वाइवर्स थी जिनसे बात करके, जिनकी प्रॉब्लम सुन के मुझे हमेशा हिम्मत मिलती थी। इसके अलावा कुछ जुडिशियल ऑफिसर्स थे, लीगल ऑफिसर्स, डॉक्टर्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। जब भी मैं रिसर्च करने जाती थी, दे रियली सपोर्टेड मी, हर प्रॉब्लम्स के बारे में बताते थे कि ये एसिड अटैक सर्वाइवर को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन हैरानी की बात है कि जब मैं जनरल पब्लिक के पास जाती थी उनका व्यू मांगने कि आप क्या सोचते हैं इस क्राइम के बारे में, कि आपको कैसा है ये, आपके आपको इनके इसके बारे में जानकारी है, तो दे वर वेरी मच रिलक्टेंट कि हम इस टॉपिक पे बात भी नहीं करेंगे, ये एक ऐसा क्राइम है जिस पे लोग बात करना भी अच्छा नहीं समझते थे। आपने सिर्फ एक लेखिका बनकर के ये किताब लिखी है या फिर एक पीड़िता बनकर? जी, मैंने ये किताब लिखते समय अपने आप में एसिड अटैक सर्वाइवर, एक विक्टिम और सर्वाइवर दोनों को लेके, एक एज ए लीगल पर्सन, एज ए ले मैन, एज ए कि अगर मैं किसी पोजीशन पे हूँ, अगर ऑफिसर की पोजीशन में हूँ, इन सब चीज़ों को लेके मैंने एक किताब लिखी। क्योंकि मैं लॉ समझती हूँ तो मैंने प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशंस भी लिखे कि अगर कोई साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम फील करता है, या कोई सोशली इकोनॉमिकली या लीगली उसको बैटल लड़नी पड़ती है ऐसे अटैक के बाद, तो साथ के साथ उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कि कैसे उनको कंपनसेशन मिले, कौन से लॉज के साथ उनको हेल्प मिल सकती है, ये सब चीज़ें। तो सिर्फ एक लेखिका बन के किताब लिखना लिखती अगर तो मैं जस्टिफाई नहीं कर पाती। ये एक ऐसा टॉपिक है जो महसूस करके, विक्टिम की जगह पे होके, और उसको एज ए
ऐसा पर्सन बनके कि जो उसका सल्यूशन दे सके, इस तरीके से मैंने ये किताब लिखने की कोशिश की है। किताब लिखने के बाद अब आप इन लोगों के लिए कुछ करना चाहेंगी? जब मैं किताब लिख रही थी, जब मैं सजेशंस लिख रही थी कि पुलिस ऑफिसर्स को ये काम करना चाहिए, जुडिशियल ऑफिसर्स को ये काम करना चाहिए, देन आई आस्क माई सेल्फ कि नवप्रीत आप क्या करोगे, आपको भी तो इस इन सब के लिए कुछ करना चाहिए। किताब लिख के तो मैं अवेयरनेस क्रिएट करूँगी ज़रूर, लेकिन उसके अलावा मुझे क्या करना चाहिए। देन आई डिस्कस द थिंग्स विद लक्ष्मी, जो एसिड अटैक सर्वाइवर हैं। फिर मैंने और लक्ष्मी ने साथ में मिलकर काम करना शुरू किया एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए। हमने अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट किया स्टॉप सेल एसिड। हमने द लक्ष्मी फाउंडेशन एक बनाई एनजीओ, जिसके थ्रू हम एसिड अटैक सर्वाइवर्स को रिहैबिलिटेट करते हैं, उनको एक विक्टिम से सर्वाइवर बनाते हैं और उनकी फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं, और आगे भी इसी तरीके से हम काम करते रहेंगे। अगर किसी पर एसिड अटैक होता है तो उसकी हिम्मत कैसे बढ़ाई जा सकती है? जी, सबसे मेन रोल होता है फैमिली का। जब एसिड अटैक होता है, सबसे पहले ज़रूरी है फैमिली को उसका सहारा बनना, उसको ये फील नहीं करवाना कि एसिड अटैक हो गया और लाइफ ख़त्म है। मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे जहाँ पे पेरेंट्स कहते हैं कि अब तो इसका चेहरा बर्बाद हो गया, इसकी ब्यूटी स्पॉयल हो गई, इसको तो मर ही जाना चाहिए। कुछ एक ऐसे उड़ीसा में केसेस है जिसमें फादर ने ही कहा कि हाँ मेरी बेटी को तो जहर का इंजेक्शन दे दो क्योंकि इस पे एसिड अटैक हो गया। हमारी सोसाइटी में ब्यूटी को इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा दी जाती है, तो इस समय में पेरेंट्स को ये समझ के कि ब्यूटी से ज़्यादा लाइफ ज़रूरी है, हमें लाइफ को बचाना है ब्यूटी को नहीं। और विक्टिम को सपोर्ट करें, उसकी काउंसलिंग करें, खुद भी हिम्मत रखें, और जो भी सॉल्यूशंस होते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट टाइम पे दी जाए, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दी जाए, उसको काउंसलर के पास लेके जाया जाए, और लॉ को लीगली जो पर्सन काम कर रहे हैं उनको भी चाहिए टाइमली कंपनसेशन दे के, और जिसने इंसान ने गलती की है उसको पनिशमेंट दे, सो दैट के जो विक्टिम है उसको विक्टिम से हम सर्वाइवर बना के उसको एक नॉर्मल लाइफ जीने का हौसला दे सके। अगर आप किसी की मदद करना चाहती हो और किसी के परिवार ने आपका साथ नहीं दिया हो, क्या ऐसा कभी हुआ है? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि रिसर्च में एसिड अटैक सर्वाइवर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने जो सर्वाइवर है, विक्टिम है, उसकी फैमिली को कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो आगे से जो पेरेंट्स हैं वो जवाब दे देते हैं नहीं हम बात नहीं करवाएंगे, हम वही चीज़ जो है, वही जो एक दर्द उन्होंने लड़की ने सहा है, हम वो दोबारा नहीं चाहते कि वो फील करे। और सेकंड थिंग, हम कुछ एक पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने सोसाइटी में ये बताया है कि लड़की जल गई क्योंकि स्टोव फट गया था। उनको ये डर रहता है कि अगर किसी को पता चलेगा मेरी बेटी पे एसिड अटैक हुआ है, मेरे बच्चे पे एसिड अटैक हुआ है, तो वो मेरे ही बच्चे की गलती निकाली जाएगी। इसलिए इन चीज़ों को छुपा के वो ज़्यादातर केसेस को दबाना चाहते हैं और लोगों के सामने नहीं लाना चाहते। तो ऐसे केसेस में हमारे लिए उन तक पहुंचना, उनको हेल्प प्रोवाइड करवाना बहुत दिक्कत वाली बात होती है, बहुत मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट इन सब के लिए क्या कर रही है? 2013 से पहले की अगर बात करें तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि NCERB इसका डेटा ही रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। हमारे देश में कितने एसिड अटैक होते हैं ये रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता था, और 2013 से पहले कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट नहीं थी IPC में। 2013 में लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के डिसीजन के बाद 326A और 326B एड ऑन किया गया इंडियन पिनल कोड में, जिसके द्वारा अब एसिड अटैक करने वाले को बहुत सीवियर पनिशमेंट दी जाती है, 7 से 10 साल की पनिशमेंट, और मर्डर के केस में उसको डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। और इससे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंपनसेशन की, 2013 से पहले कंपनसेशन की बात करें तो हार्डली 5 से 10 हज़ार कंपनसेशन दिया जाता था। अगर किसी इंसान को फ्रैक्चर भी हो जाता है, आराम से 5 से 10 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। तो आप कैसे सोच सकते हो कि 20 से 30 सर्जरीज होती हैं जिस एसिड अटैक सर्वाइवर की, वो 5-10 हज़ार में अपनी लाइफ को रिहैबिलिटेट कर सकता है। लेकिन 2013 के बाद गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए, एसिड जो सेल है उसको रेगुलेट करना स्टार्ट करा, NCERB में डेटा रिकॉर्ड होना शुरू हुआ, और पनिशमेंट थी वो उसको डेटरेंट बना दिया गया। लेकिन इसका कितना इफेक्ट है आप
कुछ सालों के केसेस से देख सकते हैं कि वो लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या आम इंसान ऐसे लोगों की कोई मदद कर सकता है? जी ज़रूर, अगर इंसान इस सोच से चले कि सामने वाले की ब्यूटी को नहीं देखना है, सामने वाले के दर्द को समझना है, तो हर इंसान, हर आम इंसान एसिड अटैक सर्वाइवर की मदद कर सकता है। देखो, अगर हम मार्केट जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, एसिड अटैक सर्वाइवर हमें नॉर्मल आम तौर पे नज़र ही नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? क्योंकि हम उनको देखना नहीं चाहते। अगर हमारे सामने भी आ जाते हैं तो जो हर कोई अपनी आँखें मूंद लेता है, अपने बच्चों की आंखों पे हाथ रख देता है, क्योंकि उनको तो ब्यूटी देखनी है, सामने वाले का दर्द नहीं देखना। अगर हम अपनी सोसाइटी को इम्प्रूव करें, ये ब्यूटी का कंसेप्ट ख़त्म करें और सामने वाले को भी एक नॉर्मल इंसान की तरह एक्सेप्ट करें, तो एसिड अटैक सर्वाइवर भी खुल के लाइफ को जी सकती है। इसके अलावा वो अगर किसी एसिड अटैक सर्वाइवर से मिलते हैं या कुछ एनजीओस के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। और नॉर्मल इंसान को ही नहीं, जो लीगल में है, जो पुलिस है, जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, उनको भी प्रो विक्टिम होके सोचना चाहिए, विक्टिम की जगह पे होके सोचना चाहिए, तभी हम उन सर्वाइवर्स की, उन विक्टिम्स की हेल्प कर पाएंगे। क्या सिर्फ औरतों पर ही एसिड अटैक होता है, आदमियों पर नहीं? जी, अगर 70% एसिड अटैक वुमेन पे होता है तो 30% मैन पे भी होता है। एसिड अटैक एक जेंडर बेस्ड क्राइम माना जाता है क्योंकि ज़्यादा संख्या 70% वुमेन है, लेकिन 30% में मैन भी है और ट्रांसजेंडर भी होते हैं। और ये ऐसा क्राइम नहीं है कि सिर्फ फीमेल पे ही कमिट हो, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी है तो इसलिए फीमेल पे ही कमिट होता है। लेकिन जो दर्द होता है 30% जो 30% में मेन और ट्रांसजेंडर आते हैं, वो भी इक्वली ही पेन फील करते हैं। क्या इनके दर्द को महसूस किया जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है? जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं वो एक परपेचुअल पेन में रहते हैं। परपेचुअल पेन में मैं कहूँ, हमेशा ही एक दर्द से गुजरते हैं। जिस समय एसिड अटैक होता है उस समय तो उनकी स्किन जलती है, उनका बॉडी पार्ट्स जलते हैं, स्किन इस तरीके से जल जाती है कि जो हमारे शरीर की हड्डियां हैं वो तक पिघल जाती हैं। और इनकी जो रिकवरी प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो होता है, बिकॉज बार बार सर्जरीज होती हैं और एक स्किन से पार्ट लेके दूसरे जो जली हुई स्किन है उस पर लगाया जाता है। तो परपेचुअल स्ट्रगल इसलिए है क्योंकि सिर्फ एक फिजिकल पेन नहीं सहते हैं, ये साइकोलॉजिकल भी, इंसोमनिया फील होता है, इनको लगता है हम पर दोबारा अटैक हो सकता है, ये डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि सोसाइटी को फेस नहीं कर सकते। ज़्यादातर जो लड़कियां हैं उन पे एसिड अटैक होता है 15 से 35 साल की एज में, जो मैरिजेबल एज होती है, वहाँ पे उनके लिए मैरिज करना मुश्किल हो जाता है। इवन मेल्स पे भी यही चीज़ अप्लाई होती है। तो जब 15 से 35 साल की जो इकोनॉमिकली वो भी डिपेंडेंट हो जाते हैं, खुद जॉब नहीं कर सकते, एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाते, कुछ केसेस में ब्लाइंड हो जाते हैं, तो ऐसे केसेस को बयान करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि एक परपेचुअल स्ट्रगल है जो कि कभी ख़त्म नहीं होती है। एसिड अटैक एक ऐसा दाग लग जाता है आपके मन पे, आपकी बॉडी पे, जिससे उबरना बहुत ही मुश्किल है। जैसा कि आपने बोला, मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है ये, और इस सोसाइटी में ज़्यादातर मैन जो हैं वो एसिड फेंकते होते हैं, तो ऐसे लोगों की मानसिकता को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? जी देखो, जो एक क्रिमिनल है वो एक दिन में नहीं बनता है। जैसे मैंने कहा, बचपन से हमारी सोसाइटी में ऐसी सोच भरी जाती है, बच्चे को जब हम ग्रो होता है बचपन से ही, उसके सामने ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं। जैसे ब्रदर सिस्टर्स की ही बात लगा लूँ, ब्रदर को सुपीरियर माना जाता है। अगर आप काफ़ी ऐसे केसेस, ऐसी रिसर्च हुई है कि जो बेटा है उसको तो इंग्लिश स्कूल में भेजा जाता है, लड़की को कई बार स्कूल में नहीं भेजा जाता। लड़का अगर कुछ डिमांड करता है तो उसकी नीड्स को फुलफिल कर दिया जाता है, वो जो भी मांगता है उसको पूरा कर दिया जाता है, लेकिन लड़की को हमेशा घर के कामों में लगाया जाता है। हमेशा लड़के को ये फील करवाना कि तुम सुपीरियर और लड़की इन्फीरियर है, ऐसी सोच के साथ एक क्रिमिनल भी बनाते हैं हम साथ साथ में। हम उसको सिखाते हैं कि हाँ, डॉरी हो मिलेगी,
लड़की तुम पे डिपेंडेंट रहेगी, तुम लड़की पे क्राइम कर सकते हो, जो जैसा इंसान देखता है वैसा ही बड़ा होता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है हमें अपनी सोसाइटी में अपने घर की परवरिश को चेंज करना। सबसे पहले अपने घर में परवरिश को जो इक्वली परवरिश करेंगे हम लड़के और लड़की की, तो हम सोच सकते हैं कि हम अपनी सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी के माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है। हर एक इंसान को ये समझने की ज़रूरत है कि भगवान ने सबको इक्वल बनाया है, सबको इक्वल राइट्स है, हम किसी से इन्फीरियर या सुपीरियर नहीं हैं। और लड़कियों को हमेशा से अपने राइट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए, बजाय कि उनको ये बोलना कि आप तो सिर्फ किचन के लिए बनी हैं। ये मदर का भी उतना ही रोल रहता है, फादर का भी उतना ही रोल रहता है। और स्कूल की बात करें, स्कूल में भी हमें बच्चों को इक्वालिटी का लेसन देना चाहिए कि आप वी आर इक्वल। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है देश का, वो वही से शुरू होता है। वो वही से इसलिए शुरू होता है क्योंकि हम सब एक हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही इक्वालिटी की बात करता है। तो जो इक्वालिटी की जो डेफिनेशन है, हर एक इंसान को वो सिर्फ समझनी ही नहीं, अपनानी भी चाहिए। अपनी माइंडसेट को चेंज करना चाहिए, अपने आसपास सोसाइटी में क्राइम को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हमारी सोसाइटी सेफ हो पाएगी, तभी हमारी सोसाइटी ऐसे क्राइम्स को, ऐसे अटैक जैसे रेप जैसे क्राइम्स को ख़त्म कर पाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमारी सोसाइटी को ही बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है। डॉक्टर नवप्रीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।